बॅक टू माय यूट्यूब चॅनल शारंग SR स्वागत है। तो आज का कुछ सीन ऐसे होने वाला है कि सीन मतलब भाई लॉकडाउन में मस्त सुख में जिंदगी काट रहे थे हम लोग, मज़े कर रहे थे। पर अचानक से मैडम ने ग्रुप पे मैसेज कर दिया कि आपका एग्ज़ाम आ रहा है। एग्ज़ाम यार लॉकडाउन में कौन एग्ज़ाम देता है। अभी बस हम लोग तो सोच रहे थे एग्ज़ाम नहीं होगा, पास हो जाएंगे, जूम पे लेक्चर होंगे। और मैडम ने ऐसा बॉम्ब फोड़ दिया। चलो ठीक है, अभी मस्त मज़े में ज़िंदगी कट रही थी, कहाँ अभी एग्ज़ाम देना पड़ेगा वापस। तो आज कॉलेज जा रहा हूँ मैं, तो कॉलेज जाने के बाद क्या फॉर्म भरना है क्या नहीं देखेंगे। मैडम बोलिए कि आ जाओ फॉर्म भर के जाओ, फॉर्म भरेंगे। भाई कहाँ मस्त जिंदगी कट रही थी यार। तो फटाफट से रेडी होते और कॉलेज जाते। तो मैं ब्लॉग में ज़रा हिंदी और मराठी दोनों में बनाऊंगा, और मराठी भी हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। मतलब हम मराठी और हिंदी दोनों के दोनों लैंग्वेज में बात करेंगे। तो देखो रेडी मी चालू आहे, आता चाललो आहे कॉलेजला। आता मी 10 महिन्याने काहीतरी चाललो असेल, 10 महिने 10 महिनेच असतील। 10 महिन्याने फर्स्ट टाइम कॉलेजला चाललो आज लॉकडाऊन नंतर। या लॉकडाऊन मध्ये बघूया कॉलेजचं कायसा आहे म्हणजे वातावरण, आणि कॉलेज मध्ये कशी काय बोलतात त्याला कॉलेज मध्ये कसं काय बोलतात थांब दे तहसील दे। हेलो गाइज, आप सोच रहे होंगे कि मैं कौन हूँ। सो आपको बता दूँ, मेरा नाम है अर्शित। सो मैं एक शारंग का फ्रेंड हूँ। तो आज उसको व्लॉग बनाना था, तो वो बोला कि मेरे साथ चलो। सो मैं भी उसके साथ आ गया कॉलेज। तो आप पीछे देख सकते हो, ये पीछे साइड जो है एंट्री गेट है कॉलेज का। सो अभी हम कॉलेज के अंदर जाएंगे। पहली बात शारंग गया है कॉलेज के अंदर। सो उसको फॉर्म भरना था, तो वो जाके फिल कर रहा है। तो मैं अभी आपको दिखाऊँगा कि शारंग कहाँ पे है, क्या कर रहा है। अभी हम एंट्री गेट से अंदर जा रहे हैं, और आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पीछे शारंग है बैठा हुआ जो फॉर्म फिल कर रहा है। भर के हो चुका है, जैसे कि आपने सिनेमैटिक्स तो देखे होंगे, आपको अच्छा लगा होगा। तो मैं मेरे दोस्त के साथ आया था, उसने तो खुद को इंट्रोड्यूस कर दिया है। तो अभी कॉलेज का काम वगैरह तो हो चुका है, फिर अभी हम जाएंगे बीच पे। तो बीच पे जाने का रास्ता जिस वे वो रखा, पर बंद है शायद, हाँ बंद है, कुछ नहीं। हम दूसरे साइड से जाएंगे। कुछ बोलना चाहता था तू? तो लॉकडाउन की वजह से बंद है ऐसा वो बोल रहा था, पर मैंने बीच में काट दिया उसका बात, तो सॉरी। चलो बीच पे मिलते। Yeah, yeah. MD, JPB, it's only right, baby. Yeah, why you mad? I got a bad bro, name hot in these streets, no Tabasco. But I'm so stubbed, that's a fact, yo. And if you think I'm frontin', you can run it back, yo. Go run it back. You know that I run it. Everything you wanna do, I already done it. And I got your little boo telling me she love me. I got this one, that one. Damn, it's gonna be a long night. Yeah. You know. I said, damn, it's gonna be a long night. तो अभी बीच पे हम लोग आ चुके हैं। जैसे कि आपने देखा बीच वगैरह कैसा है। बीच तो आपने बहुत बार देखा है, मतलब कि मैंने दो ब्लॉग में शायद से दिखाया बीच। मेरा मतलब सब लोगों का है वो, मेरा कुछ पर्सनली नहीं है। तो फिर मैसेज करके बताओगे कि हाँ तेरा पर्सनली है क्या, तो नहीं सबका मतलब, तो मतलब हमारे नियर बाय है तो हम लोग यहाँ पे आते ही रहते हैं। और मेरा कॉलेज भी मतलब बीच के पास में ही है, तो कॉलेज से निकलो बीच पे आओ, बीच से डायरेक्ट कॉलेज जाओ, ऐसा भी होता है। तो अभी मेरे साथ दोस्त आया, वो भी हम लोगों ने कुछ फ़ोटोज़ वगैरह निकाले। अभी हम लोग कुछ खाएंगे वगैरह और घर पे जाएंगे। तो फिर आज का व्लॉग इधर ही था, तो लाइक सब्सक्राइब कर देना, और इसका इंस्टाग्राम भी मैं ऊपर दे दूंगा। फॉलो अच्छा लगा तो फॉलो कर लेना।